हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लेक्चर को आप आगे बढ़ाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, उसमें अगर कोई डाउट हो तो मैंने आपको बोला था कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे सेंड कर सकते हैं। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सेल के बारे में पढ़ेंगे, बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और किन बैटरियों के बारे में, कमर्शियल बैटरीज के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कमर्शियल बैटरीज, अब कमर्शियल बैटरीज क्या होती हैं? तो ऐसी बैटरीज जो कि कमर्शियल वर्क के लिए यूज की जाती हैं, उन्हें कमर्शियल बैटरीज बोला जाता है। कमर्शियल वर्क मतलब कमर्शियल को अगर हम हिंदी में बोले तो व्यापारिक, व्यापार से रिलेटेड अगर किसी भी काम में बैटरीज का यूज किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, कमर्शियल बैटरीज। जैसे कि हमें पता है जो सेल होते हैं हमारे, घड़ी के सेल हो गए, वॉच के सेल हो गए, इसी तरीके से ये सारे सेल्स किसमें आते हैं, कमर्शियल बैटरीज में। कमर्शियल बैटरीज जो होती है सेल को बेसिकली कमर्शियली ही यूज किया जाता है। अगर हम इन्वर्टर की बात कर रहे हैं तो वो भी सेल किया जाता है, उसको भी बनाया जाता है, कमर्शियली यूज के लिए बनाया जाता है। हम जो नॉर्मली हमारी घड़ी देख रहे हैं, वॉच देख रहे हैं, वॉल वॉच देख रहे हैं, या फिर कोई भी अदर इक्विपमेंट देख रहे हैं, रिमोट कंट्रोल कार देख रहे हैं, इन सभी चीजों में क्या यूज होते हैं, कुछ ऐसे टाइप के सेल्स यूज होते हैं। हमारा मोबाइल की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल में भी बैटरीज यूज होती हैं। तो ये सारी बैटरीज क्या है, कमर्शियल बैटरीज है। यहाँ पर सिंपली बोला गया है कि ऐसी बैटरियां जिनका उपयोग व्यापारिक कार्य के लिए किया जाता है उन्हें कमर्शियल सेल बोला जाता है या व्यापारिक सेल बोला जाता है, ठीक है। एक व्यापारिक सेल के निम्न गुण होने चाहिए। अब उसने क्या बोला है, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि इनका वजन कम होना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या, कि इनका वजन कम होना चाहिए और इनका जो शेप और साइज है वो भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ये बहुत क्या बोल सकते हैं हम कि वैलिड पॉइंट है। क्यों वैलिड पॉइंट है, कि अगर मैं कमर्शियली किसी चीज को यूज कर रहा हूँ तो वो इफिशियंट होना चाहिए। इफिशियंट मतलब मेरे लिए फायदेदायक होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो मैंने एक कमरे में मेरा बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अब उसमें मुझे सेल का बैटरीज का बहुत ज्यादा काम है कि लाइट चली जाती है तो मुझे बैटरीज यूज करना है। अब मैं अगर डैनियल सेल जो हमने कल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल को अगर यूज करने लग गया तो मेरी इतनी जगह तो वो सेल ले लेगा, ठीक है, समझ लो, इतनी जगह अगर वो सेल ले लेगा तो मेरे पास जगह की कमी रहेगी। सेकंड, इतना ज्यादा इफिशियंट मतलब इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी वो हमें नहीं दे पाना। हम नॉर्मली इसको मोटर चलाने के लिए और इन सब कामों में यूज कर सकते हैं, इतना ज्यादा इफिशियंट वो हमारे लिए नहीं है। तब जाकर आया कमर्शियल बैटरीज का, हम एक बोल सकते हैं कि ट्रेंड आया जिसमें हमने बैटरीज के जो साइज थे उनको कम करना चालू किया, कम करने की कोशिश की, जितना कम हो सकता है उतना कम किया। और अब आपने देखा ये कि घड़ी के अंदर जो सेल लगते हैं हमारी, हैंड वॉच के अंदर जो सेल लगते हैं, बैटरीज लगती है, वो छोटी छोटी सी होती है। तो हमने उसको सक्सेसफुल बनाया। अब ये किस तरीके से हुआ ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड, इसके इनसे लंबे समय तक एक स्थिर वोल्ट की विद्युत धारा प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है लंबे समय तक, दूसरा है स्थिर धारा, स्थिर वोल्ट की विद्युत धारा। स्थिर वोल्ट की विद्युत धारा से क्या मतलब है, जैसे कि अगर कोई सेल, जैसे कि अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो वो 9 वोल्ट की है, तो 9 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट ही 9 वोल्ट का वोल्टेज ही क्या करेगी, वहां से पास करेगी और कंटिन्यूस 9 वोल्ट का वो करंट पास करेगी। ऐसा नहीं है कि जब वो ज्यादा फुल चार्ज है, मतलब अगर मैं बात करूं कोई बैटरी फुल चार्ज है तो वो वहां पर 15 वोल्ट को पास करेगी, और जैसे ही वो हाफ चार्ज हो जाती है तो वहां पर 9 वोल्ट का करेगी। ऐसा अनस्टेबल फ्लो हमें नहीं चाहिए किसी भी वोल्टेज का या किसी करंट का। तो क्या होना चाहिए कि एक सीमित समय, लंबे समय तक तो बात है कि ये क्या होना चाहिए, रिचार्जर, मतलब जो भी इसका चार्ज टाइम है वो कम होना चाहिए और ये लंबे समय तक चलना चाहिए। दूसरा क्या है कि कंटिन्यूस एक ही फ्लो देना चाहिए वोल्टेज का। आगे बढ़ते हैं, पुनः आवेशित किए गए योग्य होना चाहिए। मतलब क्या इसका, कि वापस से रिचार्ज किया होना चाहिए, मतलब ऐसी बैटरी होना चाहिए जिसको वापस से चार्ज किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, किफायती होना चाहिए। तो ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है कि क्या होना चाहिए, इसकी जो रेंज है, इसकी जो प्राइस है वो कम होना चाहिए। हम अदर किसी बात करते हैं अदर किसी सेल की, तो आपने देखा ही था कल हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था,
गैल्वेनिक सेल में बीकर का खर्चा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स, गैल्वेनोमीटर, इस तरीके के कई सारे वहां पर खर्चे होते हैं। और हमारा जो सेल होगा वो इफिशियंट भरे से हो सकता है, इफिशियंट तो इतना नहीं होता लेकिन इफिशियंट भरे से हो जाएगा, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो भी वहां पर बढ़ती जाएगी। तो इसलिए वहां पर क्या बताया गया कि आपका जो सेल, आपकी जो बैटरी होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, इन सब प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए, तो उसको कमर्शियली यूज किया जा सकता है। अब आते हैं हम टाइप्स पे। टाइप्स देखते हैं कमर्शियल बैटरीज के या फिर कमर्शियल सेल के, दो टाइप्स हो सकते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी हम बोल सकते हैं कमर्शियल सेल में यहाँ पर दो टाइप, पहला प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इनको हम हिंदी में बोलेंगे। प्राइमरी सेल को प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल और ये द्वितीयक, द्वितीयक सेल, द्वितीयक सेल, ये दो टाइप के हमारे सेल होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन अगर आप समझे या फिर एग्जांपल समझते हैं तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। विद्युत रासायनिक सेल जो उपयुक्त शर्तों को पूरा करते हैं, इन्हें व्यापारिक सेल कहते हैं। इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, एक तीसरा भी होता है लेकिन उसके बारे में हम बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्यूल सेल, ठीक है, ईंधन सेल, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी सेल, मतलब प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है? प्राइमरी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वन, ठीक है। प्राइमरी का यही मतलब होता है कि स्टार्ट या फिर फर्स्ट। तो ऐसा सेल जिसको केवल एक बार यूज किया जा सकता है उसे हम प्राइमरी सेल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? एक ऐसा सेल जिसको एक बार यूज किया जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। तो अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी सेल की बात कर रहा हूँ तो प्राइमरी सेल जो होता है वो नॉन रिचार्जेबल होता है, नॉन रिचार्जेबल होता है, मतलब इसको फिर से रिचार्ज या फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता, क्लियर है, पुनः आवेशित इसे नहीं किया जा सकता। सेकंड, अगर हम देखें प्राइमरी सेल की बात करते हैं तो पहली चीज तो ये नॉन रिचार्जेबल होता है, इसे वापस से चार्ज नहीं किया जा सकता, इसका यूज जो है वो एक ही बार किया जा सकता है। और ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि सेल की जो वर्किंग होती है, प्रोटोटाइप हम समझेंगे कि किस तरीके से इनकी वर्किंग होती है। अभी केवल इतना समझो कि इसे वापस से चार्ज नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी सेल है तो ये सेल होते हैं रिचार्जेबल, रिचार्जेबल, रिचार्जेबल मतलब पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। प्राइमरी सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, जबकि द्वितीयक सेल या फिर सेकेंडरी सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्राइमरी सेल के अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो प्राइमरी सेल का एग्जांपल क्या है, वो हो सकता है वॉच में लगने वाले सेल, वॉच सेल को बोल देता हूं, और हो सकता है रेडियो सेल, रेडियो सेल, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेल होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेल। वहीं सेकेंडरी सेल की बात करते हैं तो फोन बैटरीज, फोन बैटरीज, फोन की बैटरीज हो गई, और सेकंड हम क्या बोल सकते हैं? ऐसा कोई भी सेल जो चार्ज किया जा सकता है। तो फोन बैटरीज बेसिकली यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा, फोन बैटरीज यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेल का, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे सेल जिनको वापस से चार्ज किया जा सकता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल। और ऐसे सेल जिनको वापस से चार्ज, फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का यूज वन टाइम होता है, ठीक है, एक ही बार में उसको यूज किया जाएगा, जबकि सेकेंडरी सेल का यूज कंटिन्यूस किया जा सकता है क्योंकि वो चार्जेबल है। फ्यूल सेल की बात करते हैं, यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है फ्यूल सेल। अब ईंधन सेल क्या होता है? ऐसा सेल जो कि फ्यूल से चलता है।
करता है, जब तक फ्यूल उसमें भरा जा रहा है या फिर हम बोल सकते हैं कि ईंधन उसमें भरा जाता है तब तक वो चलता है, जैसे ही ईंधन समाप्त हो जाता है वैसे ही वो सेल काम करना बंद कर देता है। तो ये बेसिकली फ्यूल सेल है, इसके बारे में बहुत कम पढ़ेंगे। एक सेल आपके सिलेबस में शायद दिया हुआ है फ्यूल सेल का, तो अब उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी केवल इतना समझ लो कि फ्यूल सेल जो होता है वो ऐसा सेल होता है जो कि फ्यूल से चलता है, मतलब ईंधन से चलता है। ईंधन वो कोई सा भी हो सकता है, वो कोई गैस हो सकती है या फिर पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ईंधन वहां पर कोई सा भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं छोटा सा लार्ज टॉपिक थोड़ा प्रोटोटाइप बता देता हूँ कि सेल किस तरीके से काम करते हैं। हम ऐसा मानते हैं, कल हमने बीकर वाला एग्जांपल देखा था तो उसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ यहाँ पर साइज का डिक्रीज करके दोनों इलेक्ट्रोड्स एक ही बीकर में पुट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दे दिया और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दे दिया। यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर देते हैं कोई सा। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जैसे ही जाएगा तो ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, डीकम्पोज, मतलब अपने आयन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने स्टार्ट करेगा, और जैसे ही ये डीकम्पोज होता जाएगा तो ये कहां पर लिक्विड होता जाएगा, इसकी लेयर पर, यहां पर इसकी लेयर बनती जाएगी। क्लियर है? तब ऐसा समझो कि जैसे ही मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या है कि ये इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, यहाँ पर ये सारी लेयर यहाँ पर जम चुकी है। ठीक है, मैंने फोन को चार्ज करना स्टार्ट किया। ठीक है, चार्ज करना स्टार्ट किया तो मैंने इसको क्या किया, बैटरी चार्ज में लगाया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट हुआ। फ्लो जैसे ही स्टार्ट हुआ तो यहाँ से ये डीकम्पोज हुआ और कहाँ चला गया, इसकी लेयर पर जमा होने लगे, इसकी सरफेस पर जमा होने लग गया। ठीक है, फोन फुल्ली चार्ज हो गया, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस पर जमा हो गया, इसकी सरफेस पर उसने लेयर बना ली अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। ठीक है, फोन चार्ज हो गया मेरा, मैंने इसको निकाला और फिर मैं इसको यूज करने लग गया। ठीक है, जैसे ही मैंने यूज करना उसको स्टार्ट किया तो यहाँ से इलेक्ट्रोड्स क्या हुए, इसकी लेयर से हटने चालू हुए और वापस से कहाँ आने लग गए, इस पर जमा होने लग गए और इसको फिर से उन्होंने क्या बना दिया, इलेक्ट्रोड बना दिया। मैंने फोन को पूरी बैटरी, फोन की पूरी बैटरी यूज कर ली, इसका मतलब यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रोड्स जमा हुए थे, जितने भी इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर जमा हुए थे इस सेल के, वो सारे यहाँ से डिस्चार्ज हुए और कहाँ चले गए, इस पर फिर से आ गए। इसी को बोलते हैं चार्जिंग एंड रिचार्जिंग। यहाँ पर मैंने चार्ज किया मतलब यहाँ से डीकम्पोज होगी, इसकी सरफेस पर गए, मैंने यूज किया तो ये यहाँ से वापस होके यहाँ पर आ गए, फिर से मैं चार्ज करूंगा फिर से डीकम्पोज होगी, इसकी सरफेस पर जाएंगे, मैं यूज करूंगा फिर से ये कहाँ जाएंगे, अपनी जगह पर आ जाएंगे। ये क्या है, एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब ए से मैंने बी बनाया और बी से वो वापस से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, मतलब मैंने यहाँ से चार्ज किया बी पर ले गया, मैं जैसे इसको यूज करता हूँ तो वो वापस ए पर आ गया, ए से फिर से चार्ज करूंगा तो बी पर चला जाएगा। इसी तरीके की प्रोसेस को हम सेकेंडरी सेल प्रोसेस बोलते हैं, सेकेंडरी सेल प्रोसेस। आया समझ में? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि सेकेंडरी सेल का एग्जैक्ट ऐसा ही होता है। ठीक है, कि आप एक रिएक्शन आगे बढ़ाते हो, वो रिएक्शन रिवर्सिबल है, वो वापस से आ सकती है, वापस से वो रिएक्शन की जा सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ वाटर की, ठीक है, वाटर को अगर मैं ठंडा करता हूँ, ठीक है, -0 डिग्री सेंटीग्रेड देता हूँ टेम्परेचर, तो वो क्या बन जाएगा, आइस, और आइस को मैं नॉर्मली छोड़ देता हूँ तो वो वापस से क्या बन जाएगा, वाटर। ठीक है, तो इसी टाइप की रिवर्सिबल प्रोसेस किस में होती है, सेकेंडरी सेल में होती है। जबकि अगर हम प्राइमरी सेल की बात करें तो एक बार यहाँ से डिकम्पोज होने के बाद वो अपनी सरफेस पर चला गया, ठीक है, या फिर एक बार मैंने इसको यूज कर लिया तो वो वापिस से वो उस प्रोसेस को रिपीट नहीं कर सकता, इसीलिए उसमें चार्जिंग वाला फीचर नहीं होता, फिर से उसे चार्ज नहीं किया जा सकता। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। कल हम प्राइमरी सेल का एक टाइप देखेंगे जिसे हम ड्राई सेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।